एक्यूट एंड तीसरी बात क्या आ गई राइट राइट एंगल ट्रायंगल एंगल
जिसमें क्या हो जाए 90 डिग्री के बराबर हो जाए 90 डिग्री से कम को 90 डिग्री से ज्यादा सही है। एक एंगल 90 डिग्री का वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली कॉल्ड ऑब्ट्यूस एक्यूट एंड राइट एंगल ट्रायंगल। सही है, ये मैंने किसके हिसाब से बात करी, एंगल्स के हिसाब से। नाउ ट्रायंगल को तीन एक्चुअली याद रखो ट्रायंगल के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स हैं, तीन डेफिनेशन यानी और तीन क्या है साइड्स। अब साइड्स के हिसाब से अगर मैं ट्रायंगल को कैटेगोरिकली डिफाइन करूं तो क्या डेफिनेशंस बनेंगी ट्रायंगल की। अगर ट्रायंगल है उसकी तीन साइड्स है, साइड इस तरह से लिखी जाती है, बी के सामने वाली स्मॉल बी ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ए से लेके सी तक की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर जितनी भी हो, सी की लेंथ स्मॉल सी और ए की लेंथ स्मॉल स्मॉल सबके सामने आते हैं, सबके सामने वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है मैंने बताया था ना, वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो रहती है ना सामने उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं के स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर तीनों साइड्स इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाए मतलब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तीनों साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हो जाए, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल दैट इज कॉल्ड व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड 5 5 5 सेंटीमीटर 6 6 6 सेंटीमीटर 8 8 सेंटीमीटर इक्वल आ गए तो दो सेम और एक अलग, हाँ अगर इफ टू साइड्स आर इक्वल तो दो से दो इक्वल है और एक इक्वल नहीं है इन अ ट्रायंगल, याद रखना ट्रायंगल के अंदर की बात हो रही है, तो इसको कहते हैं हम ट्रायंगल को आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस कॉलर बट आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसो सेलस, आइसो का मतलब क्या है, आइसो कहते हैं सेम, और अगर एक भी सेम ना हो फिर मतलब इसको मैथमेटिकली लिखो तो कैसे लिखोगे, a इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, दो बराबर है तीसरे बराबर तीनों सेम ना हो, इफ थ्री साइड्स आर डिफरेंट, अगर तीनों साइड्स क्या हों डिफरेंट तो उसको कहते हैं डिफरेंट साइडेड ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल, इसको स्केलिन भी नाम दिया जाता है या फिर डिफरेंट साइडेड ट्रायंगल, मतलब A is not equal to B is not equal to C.
तो कहेंगे हम इसके लिए डिफरेंट ट्रायंगल या डिफरेंट साइड ट्रायंगल रिलेटेड आइसोसेलीस स्केल है। सही है, क्लियर है। तो टोटल ट्रायंगल के ऊपर अगर हमारा डिस्कशन आया, ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स हैं? सिक्स एलिमेंट्स। तीन उसकी क्या है? साइड्स। और तीन उसकी क्या है? एंगल्स। तो मैंने आपको तीन साइड्स के हिसाब से डेफिनेशन बताई क्या बन सकती है, और तीन एंगल्स के हिसाब से बताई डेफिनेशन क्या बन सकती है। हमारा एक्चुअली जो चीज पढ़ रहे हो ना, एटलीस्ट उसके बारे में बता दो कि एक्चुअली ये पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ ट्रायंगल एक्चुअली है क्या। तो ट्रायंगल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कॉल्ड ट्रायंगल। कॉम्बिनेशन है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन ऐसे नुक्ते जो एक तरतीब में नहीं आते उनको ट्राइंगल कहते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन। ऐसे नुक्ते जो एक तरतीब में नहीं आते उनको ट्राइंगल कहा जाता है। सही है। अब उसके अंदर तीन एंगल्स होंगे और तीन साइड्स। तीन एंगल्स अगर वो 90 से छोटा होगा तो एक्यूट, बड़ा इक्वल ट्राइंगल। तीनों साइड्स बराबर होंगी, दो होंगी और तीनों अलग होंगी। तीनों छह डेफिनेशंस हो गई। छह डेफिनेशंस जल्दी से कर लो इसको आज ना, बस स्टॉप।